दोस्तों, ये है Redmi Note 13 Pro Plus स्मार्टफोन। ये अभी हाल ही में चाइना में कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। चाइना में इसकी प्राइस 1900 युआन के आसपास रखी गई थी, जो कि इंडिया का तकरीबन 21,600 रुपए के आसपास होता है। इंडिया में इसके लॉन्चिंग और प्राइस की बात भी आगे वीडियो में की जाएगी, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन और डिजाइन की। सबसे पहले इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, तो ये स्मार्टफोन ग्लास और लेदर दो बैक फिनिशिंग के साथ आता है। लेदर वाला बैक पैनल काफी यूनिक दिया गया है, क्योंकि इसमें डिफरेंट कलर फील किए गए हैं। प्रीमियम वेगन लेदर का भी यूज किया गया है। इसके अलावा साइड कॉर्नर में एल्यूमिनियम मेटल का भी यूज किया गया है और सभी वेरिएंट IP68 के वाटरप्रूफ वाले रेटिंग के साथ आते हैं। तो दोस्तों, Redmi ने लुक और डिजाइन के मामले में काफी सारे अपडेट किए हैं, जो कि बहुत सारे यूजर्स को काफी ज्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके अंदर के स्पेसिफिकेशन की। तो इसमें 6.67 इंच की 3D कर्व डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, यानी कि डिस्प्ले काफी स्मूथ चलेगी। इसके अलावा 12 बिट्स पैनल के साथ 1800 निट्स की हाईएस्ट पीक ब्राइटनेस दी गई है, जिससे आउटडोर में भी काफी इजीली डिस्प्ले को यूज किया जा सकता है। डिस्प्ले की सेफ्टी के लिए इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का सपोर्ट दिया गया है। तो दोस्तों, इसकी डिस्प्ले कॉन्टेंट वॉचिंग, गेमिंग, मल्टीटास्किंग के लिए काफी बेटर है। इसके कैमरे की बात करें तो इसके रियर साइड में 200 मेगापिक्सल विथ OIS के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर का कैमरा दिया गया है। इसके अलावा सेंटर पंच होल के साथ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसके मेन कैमरे से 4K 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा सकता है, जबकि फ्रंट कैमरे से फुल HD तक ही वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा सकता है। इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसमें MediaTek Dimensity 7200 का प्रयोग किया गया है, जो कि 4 नैनोमीटर फेब्रिकेशन प्रोसेस पर बना है, जो 2.8 GHz स्पीड दे सकता है। इसके अंतुतु स्कोर की बात की जाए तो वो 800,000 के पार चला जाता है। तो इसमें गेमिंग करने और नॉर्मल एडिटिंग करने के लिए काफी इजीली किया जा सकता है। गेमिंग करने के लिए या फिर एडिटिंग करने के लिए काफी ज्यादा बैटरी बैकअप की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए 5000mAh की काफी बड़ी बैटरी दी गई है, जो लगभग 1 दिन का बैटरी बैकअप बहुत ही आसानी से दे सकती है। और साथ ही 120W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो 40 मिनट में 0 से 100% तक चार्ज कर सकता है। ओवरऑल ये स्मार्टफोन मिड रेंज सेगमेंट में काफी बेटर स्मार्टफोन होने वाला है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्राइस की। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन का स्टार्टिंग प्राइस लगभग 24,000 के आसपास हो सकता है। इसके लॉन्चिंग की बात करें तो यह नवंबर महीने के लास्ट तक लॉन्च होने की संभावना बहुत ज्यादा रखता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए स्मार्टफोन के डिटेल्स कंपैरिजन या फिर डिटेल्स रिव्यू के साथ।